हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफई सॉफ्ट प्रो। यू कम फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, गेट नोटिफिकेशन, लाइक शेयर कमेंट एंड वॉच फुल वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। स्टैटिक कीवर्ड इज मेनली यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। इट कैन बी यूज विद वेरिएबल मेथड ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस। इट इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू शेयर द सेम वेरिएबल और मेथड ऑफ अ गिवन क्लास। बेसिकली स्टैटिक इज अ यूज फॉर अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल और अ मेथड दैट इज सेम फॉर एवरी इंस्टेंस of a class. The main method of a class is generally labeled by static. Basically static हमारा keyword जो होता है वो memory जो हमारी होती है उसको manage करने के लिए होता है। और ये किसके साथ use होता है? जैसे variable हो गए, methods हो गए, blocks हो गए और nested classes हो गई। तो static keyword क्या होता है? जिस हमारा same variable होता है वो share करता है हमारे जो भी हम object create करते हैं उनको, उनके साथ वो sharing करता है। और basically static use for constant variable, method सेम एज एवरी इंस्टेंट ऑफ क्लासेस। और ये जैसे कि हमारे मेन मेथड होता है वो स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक हमारा कीवर्ड इसके साथ यूज होता है। और इसको देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। स्टैटिक कीवर्ड विद अ वेरिएबल इट इज कॉल्ड अ स्टैटिक वेरिएबल इन जावा। व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल विद अ स्टैटिक कीवर्ड द JVM लोडेड ड्यूरिंग द क्लास लोडिंग। और द स्टैटिक वेरिएबल इज नोन एज अ क्लास वेरिएबल आल्सो बिकॉज The static variable belong to class initiated of the instance objects. Or it means a static variable is common to all object of the class. जैसे कि हमने कोई static variable, जैसे कि हमारा ये example है, जैसे कि हमारे कोई class है student नाम की, और हमने इसमें एक हमने static variable बनाया static string college, college का नाम ABC लिख दिया हमने। और उसके बाद हमने public static void main, हमारा एक main function है, उसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए स्टूडेंट्स के, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। फिर उसके बाद जो भी हमारा जैसे कि जो कॉलेज है वो दोनों ही जो हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उनके साथ वो शेयरिंग करेगा। तो ये बेसिकली इसका यूज इसलिए होता है। जैसे कि हम आगे देखते हैं इसका, जैसे कि हाउ टू डिक्लेयर इट स्टैटिक कीवर्ड, मतलब स्टैटिक कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं। जैसे स्टैटिक डेटा टाइप वेरिएबल नेम हो गया इक्वल टू वैल्यू, तो हमारा स्टैटिक क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, और डेटा टाइप हमारा टाइप ऑफ वेरिएबल, किस टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल नेम हम जो हमारा वेरिएबल का नेम हम रखेंगे, और उसमें जो भी हम वैल्यू क्या है हमारी वैल्यू विच यू वांट टू इनिशियलाइज, जो हम वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं अपने वेरिएबल में। जैसे कि एग्जाम्पल है पब्लिक स्टैटिक इंट एक्स, स्टैटिक इज अ रिजर्व कीवर्ड इन जावा। और डेटा टाइप क्या है, इज द टाइप ऑफ डेटा दैट यू वांट टू बी स्टोर इन अ वेरिएबल। और वेरिएबल नेम क्या है, इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। और वैल्यू यू कैन प्रोवाइड द वैल्यू टू अ स्टैटिक वेरिएबल। जैसे कि हाउ टू एक्सेस इट, स्टैटिक वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास का नेम फिर उसका डॉट फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम हो गया। जैसे कि क्लास नेम क्या हो गई हमारी, जैसे कि क्लास नेम क्या हो गई, द नेम ऑफ द क्लास इन विच द स्टैटिक वेरिएबल इज डिक्लेयर, जो हम स्टैटिक वेरिएबल किस क्लास में हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो क्लास का नेम हो गया। उसके बाद फिर वेरिएबल का नेम, फिर डॉट हमारा क्या होगा, इट बाइंड द क्लास नेम एंड वेरिएबल नेम। क्लास नेम और वेरिएबल नेम को क्या करता है, डॉट ऑपरेटर ये बाइंड करता है। और वेरिएबल नेम क्या होगा, जो भी हमने वेरिएबल का नेम किया, तो थ्रू जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम डायरेक्टली हम क्लास के नेम से एक्सेस करते हैं, और कोई भी उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिए उस वो ऑब्जेक्ट के नहीं एक्सेस होते हैं, ऑब्जेक्ट के नेम से एक्सेस नहीं होते हैं, मेन इसका ये होता है, उस ओनली क्लास के नेम से ही एक्सेस होंगे। हाउ टू यूज स्टैटिक वेरिएबल विद द एग्जांपल, जैसे कि हम कोई हमारा एग्जांपल है पब्लिक क्लास स्टैटिक वेरिएबल एग्जांपल, फिर हमने स्टैटिक इंट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, फिर हम उसको वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं सिस्टम डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ अ, उसके बाद हमें स्टैटिक वेरिएबल एग्जांपल हमारी क्लास हो गई, फिर डॉट ए जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हमें एक्सेस करके दे देगा। तो हम इस तरह हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे कि हाउ डज द स्टैटिक वेरिएबल वर्क, स्टैटिक वेरिएबल कैसे वर्क करता है, विदाउट स्टैटिक वेरिएबल और विद स्टैटिक वेरिएबल, दो टाइप से हमें, जैसे कि हमने इसका थ्री ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री। तो हमारे हीप मेमोरी में क्या होगा कि जैसे कि जो एक पर्टिकुलर जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें जो भी नंबर ऑफ काउंट्स जो है हमारे वो
वो एज उस ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, बट हमारा जो स्टैटिक कीवर्ड क्या रहता है कि वो जैसे कि हमने विथ स्टैटिक कीवर्ड जैसे कि हमने थ्री ऑब्जेक्ट बनाया तो वो उन तीनों ऑब्जेक्ट्स का हमारे एक मेमोरी को वो शेयर करता है। विद स्टैटिक वेरिएबल में क्या होगा, जैसे कि हमने को तीन थ्री ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, तो उनके जो भी हमने जो स्टैटिक वेरिएबल बनाया वो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए वो शेयरिंग होगी उससे, जैसे कि काउंट हमारा जो काउंट होगा वो इक्वल टू थ्री हो जाएगा। और उसमें क्या होगा, उसमें शेयरिंग नहीं होती है विदाउट स्टैटिक वेरिएबल में। जैसे कि इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा ये जैसे क्लास एग्जांपल विदाउट स्टैटिक वेरिएबल हो गई हमारी, फिर उसके बाद इंट इंट नंबर ऑफ क्लिक्स हमारा क्या हो गया ये इक्वल टू जीरो, इसमें जीरो ने स्लैश किया हमारे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद पब्लिक वाइड इंक्रीमेंट काउंटर एंड प्रिंट, इसके बाद नंबर ऑफ क्लिक्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं प्लस प्लस, फिर सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एल एन वैल्यू ऑफ काउंट, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्लिक्स को हमने प्रिंट करा दिया। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, फिर हमने थ्री वेरिएबल क्रिएट किए, थ्री ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट वन को फिर कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वन से, ऑब्जेक्ट वन डॉट इंक्रीमेंट काउंट एंड प्रिंट, तो ये हमारे इसमें क्या वैल्यू होगी, वन होगी। फिर उसके बाद हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जब हमने क्रिएट किया, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू क्या होगी, रीइनिशियलाइज हो गई। फिर उसके बाद जब हमारी वैल्यू रीइनिशियलाइज हो गई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टू में भी वही हमारी वन आएगा। फिर उसके बाद एग्जांपल ऑफ एग्जांपल विथ हमने मतलब कि तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसके बाद हमारे क्या हो गया वैल्यू उसमें रीइनिशियलाइज हो गई। तो ऑब्जेक्ट तो हमारे तीनों ही ऑब्जेक्ट जो हम कॉल करा रहे हैं फंक्शन को, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो वन वन होगा। जैसे कि इसको रन कराते हैं तो हमारा जैसे कि वैल्यू ऑफ काउंट इजल टू वन, वैल्यू ऑफ काउंट इजल टू वन एंड वैल्यू ऑफ काउंट इजल टू वन, तो ये हमारा ये विदाउट स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू हो गया। और हमारा स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू क्या उसका हमारा वर्क करता है, जैसे पब्लिक स्टैटिक पब्लिक क्लास एग्जाम्पल विद स्टैटिक हो गया स्टैटिक इंट नंबर ऑफ क्लिक्स इजल टू जीरो, हमारा हमने नंबर ऑफ क्लिक्स हमने स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया, फिर उसके बाद हमारा मेन हमारा ये फंक्शन है हमने क्रिएट किया पब्लिक वाइड इंक्रीमेंट काउंट एंड प्रिंट, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्लिक्स को हमने क्या किया इंक्रीमेंट किया, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्लिक्स को हमने प्रिंट करा दिया। फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, फिर इसके बाद हमने थ्री ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो इसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री। ऑब्जेक्ट वन में क्या वैल्यू होगी, वन होगी। ऑब्जेक्ट टू में जब हमारा कॉल हुआ मतलब हमने क्रिएट किया, तो हमारी जो भी नंबर ऑफ क्लिक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, वो टू हो गई। फिर ऑब्जेक्ट थ्री से हमारा जो भी जैसे कि ऑब्जेक्ट थ्री प्लस डॉट हमने डॉट इंक्रीमेंट काउंट हमने जो फंक्शन को कॉल किया, तो हमारी जो जो भी हमारी नंबर ऑफ क्लिक जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू हमारी थ्री हो गई। तो ये मेमोरी को क्या करता है, शेयर करता है। वो क्या विदाउट विदाउट स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो हमारे जो मेमोरी होती है वो मतलब रीइनिशियलाइज हो जाती है, मतलब बार बार हमारी वैल्यू जहाँ पे थी वही इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद जो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारी शेयर करती है वेरिएबल्स मेमोरी को। तो हमारा ये डिफरेंस होता है, जिस इसको हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमारे जैसे कि आउटपुट आ रहा है वैल्यू ऑफ काउंट इज इक्वल टू वन, वैल्यू ऑफ काउंट इज इक्वल टू टू, वैल्यू ऑफ काउंट इज इक्वल टू थ्री। तो ये हमारा ये स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है इस तरह। फिर उसके बाद जानते हैं जिसके बाद व्हाट इज द स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं। स्टैटिक मेथड कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय यूजिंग द क्लास नेम। स्टैटिक मेथड किसके थ्रू एक्सेस होते हैं, डायरेक्टली जैसे वेरिएबल हम एक्सेस करते हैं वैसे ही हम मेथड को भी एक्सेस करते हैं उसके क्लास के नेम से। दे कैन एक्सेस स्टैटिक डाटा डायरेक्टली, और डायरेक्टली भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इट्स मीन इट नॉट डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट स्टेट, ये ऑब्जेक्ट स्टेट पर नहीं डिपेंड होता है। The non-static invoke only through the objects. We can call them only when they are part of an object. That's why the static method is part of the class definition. तो ये हमारा स्टैटिक मेथड इस तरह इसको हम यूज करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड को हम कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक्सिस मोडिफायर, फिर उसके बाद स्टैटिक, फिर रिटर्न टाइप हो गया हमारा, फिर उसके बाद मेथड का नेम, फिर उसमें जो भी हमारे पैरामीटर्स हमने वो हमने हमें जो मेथड है उसमें पास कर दिए। एक्सेस मोडिफायर क्या होता है, यू कैन डिफाइन एक्सेस मोडिफायर, मतलब एक्सेस मोडिफायर में क्या होता है, जैसे कि हमारे फोर टाइप के एक्सेस मोडिफायर होते हैं, डिफॉल्ट होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो हमारी हमारे उसकी विजिबिलिटी क्या है एक्सेस मोडिफायर में ये बताता है, और हमारे जो स्टैटिक क्या है वो कीवर्ड है, और उसके बाद हमारे रिटर्न टाइप क्या है, डेटा टाइप जो भी हम किस डेटा टाइप में हम उसकी वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं, तो हमारा वो रिटर्न टाइप हो गया। डेटा को हम किस टाइप में रिटर्न करा रहे हैं, तो हमारा डेटा टाइप हो गया। उसके बाद फिर हमारा मेथड का नेम हो गया, और उसके बाद जितने भी पैरामीटर हो गए उसकी लिस्ट होगी।
इस तरह हम स्टैटिक मेथड को डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं। हाउ टू यूज स्टैटिक मेथड, हम इसको स्टैटिक मेथड को कैसे यूज करते हैं, क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम हो गया। क्लास नेम क्या हो गया, जो भी हमारे क्लास का नेम हो गया, उसके बाद फिर डॉट क्या हो गया, डॉट क्या करता है, जो भी हमारा मेथड होगा उसको बाइंड करेगा, उसके बाद फिर हम मेथड का नेम होगा, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। जो भी हमने स्टार्टिंग मेथड हमने डिक्लेयर किया हुआ, तो क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम। और जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है, जैसे कि क्लास स्टार्टिंग मेथड एग्जाम्पल, क्लास स्टार्टिंग मेथड एग्जाम्पल इंट ए इज इक्वल टू जीरो, स्टैटिक इंट बी इज इक्वल टू जीरो। ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, वाइड शो डेटा, हमने शो नाम, शो डेटा के नाम का एक फंक्शन बनाया, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू प्लस ए हो गई, और फिर सिस्टम डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ बी प्लस वी की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। और स्टैटिक वाइड डिस्प्ले डेटा, हमने एक स्टैटिक वाइड डिस्प्ले डेटा का हमने फंक्शन बनाया, उसके बाद स्टैटिक मेथड एग्जांपल, फिर हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद फिर हमने दोनों ही वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया, जैसे कि स्टैटिक आउट स्टैटिक डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ ए और स्टैटिक डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ बी। तो ए की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्ट डॉट ए, उसके थ्रू हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। और बी में क्या है कि हम डायरेक्टली हम वी को वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, नहीं उसे क्लास के नेम से कराते हैं, तो उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मतलब की जरूरत नहीं होती है इसको एक्सेस करने के लिए, नॉन जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उसको, और जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उसको ऑब्जेक्ट के साथ उसको एक्सेस किया जाता है। तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट डॉट ए को हमने यूज किया, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया, फिर उसका हमारा मेन फंक्शन हो गया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, फिर हमने डिस्प्ले डेटा को हमने प्रिंट करा दिया, उसके बाद फिर स्टैटिक मेथड एग्जांपल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक मेथड एग्जांपल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा, हमने शो डेटा हमारा फंक्शन है उसको हमने कॉल करा दिया है। तो इस तरह हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसको कॉल करा दिया, तो ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा। तो जैसे कि हम देखते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड कैन कॉल स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली विद इन अ क्लास। जैसे कि जो नॉन स्टैटिक मेथड होता है वो क्या करता है, वो जो हमारे वेरिएबल हमने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किए हैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। बट जैसे कि जो स्टैटिक जो हमारा मेथड होता है वो क्या करता है, जैसे कि स्टैटिक मेथड कैन कॉल स्टैटिक मेथड होता है वो डायरेक्टली वेरिएबल को, जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसको कॉल कर लेता है, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को उसको ऑब्जेक्ट के साथ यूज, और उसको ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना पड़ता है। और उसके बाद स्टैटिक मेथड कैन डायरेक्टली कॉल अनदर स्टैटिक मेथड, एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, बट नॉन स्टैटिक मेथड बाय यूज ऑब्जेक्ट, और नॉन स्टैटिक जो मेथड होता है उसको ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल में, नॉन स्टैटिक वेरिएबल में और नॉन स्टैटिक मेथड्स में। जैसे कि व्हेन द स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड आर इन डिफरेंट क्लासेस, जैसे कि हमारा क्लास स्टैटिक एग्जांपल इंट ए इज इक्वल टू जीरो, स्टैटिक इंट बी इज इक्वल टू जीरो, स्टैटिक स्ट्रिंग डिस्प्ले डेटा रिटर्न हमारा स्टैटिक मेथड हो गया, हमने मतलब जो स्ट्रिंग है उसको रिटर्न करेगा, और जो पब्लिक स्टैटिक पब्लिक क्लास हमारी सेकंड क्लास पब्लिक क्लास मेन क्लास हो गई, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर सिस्टम डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ बी, फिर वी की वैल्यू को कैसे हम एक्सेस करेंगे स्टैटिक एग्जांपल डॉट बी, इसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे, और उसके बाद स्टैटिक डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैटिक एग्जांपल डॉट डिस्प्ले डेटा। तो ये बेसिकली जो किसी और डिफरेंट क्लास में हम अपने वेरिएबल या मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो और हम दूसरी क्लास में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके एग्जांपल मतलब जो भी हमारा क्लास का नेम होगा उसके क्लास का नेम, फिर डॉट जो भी हमारा वेरिएबल का नाम होगा उसके थ्रू उसको एक्सेस करेंगे, उसकी वैल्यू को और उसके मेथड को, और क्लास का नेम डॉट हमारे मेथड का नेम हो गया। तो इस तरह हम डिफरेंट क्लास में कैसे यूज करते हैं स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। और उसका व्हाट इज द स्टैटिक ब्लॉक इन जावा और जावा स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक, ब्लॉक क्या होते हैं, द स्टैटिक कीवर्ड विद अ ब्लॉक ऑफ अ कोड दैट इज नोन एज अ स्टैटिक ब्लॉक, अ स्टैटिक ब्लॉक can have a several instruction that allows run when a class is loaded into memory, or it is also known as a Java static initializer block because we can initialize the static variables in the static block at
runtime. A class can have any number of static blocks, or the JVM execute them in a sequence in which they have written. Or the static block in a program always execute first before any static method, non-static method and main method and even instance ब्लॉक. हमारा स्टैटिक ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो कोई भी हमने जैसे स्टैटिक ब्लॉक हमने क्रिएट किया है तो सबसे पहले वो इनिशियलाइज हो जाता है. जैसे कि हम इसको अपने एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हाउ टू क्रिएट अ स्टैटिक ब्लॉक. स्टैटिक ब्लॉक को कैसे हम क्रिएट करते हैं, जैसे पब्लिक क्लास हमारी मेन क्लास हो, फिर स्टैटिक इंट बी तो हमारा इंट बी क्या हो गया, हमारा एक वेरिएबल हो गया. हमने स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक वाइट शो और फिर सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन स्टैटिक मेथड है, उसको हमने शो करा दिया. उसके बाद हमने एक स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट किया स्टैटिक, फिर उसके बाद हमारा शो को हम उसमें कॉल करा रहे हैं, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस तो सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन मेन मेथड. तो हमारे इसमें जो आउटपुट होगा, सबसे पहले हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा स्टैटिक ब्लॉक, जो भी हमने स्टैटिक ब्लॉक में जो भी हमने चीजें डिक्लेयर करी होंगी, मतलब जो भी हमने कॉल किया होगा डिक्लेयर करी होंगी, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद फिर हमारा मेन मेथड में जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, जो भी स्टेटमेंट होगी, वो हमें प्रिंट करेगा. तो हमारा पहला क्या आएगा, स्टैटिक मेथड, उसके बाद हमारा मेन मेथड. तो ये हमारा डिस्प्ले करेगा, फिर हमारा ये वर्क करता है स्टैटिक ब्लॉक. स्टैटिक क्लास को हम कैसे यूज करते हैं, अ क्लास कैन बी मेड स्टैटिक ओनली इफ इट इज अ नेस्टेड क्लास. एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम स्टैटिक क्लास का यूज करते हैं. और नेस्टेड स्टैटिक क्लास डज नॉट नीड अ रेफरेंस ऑफ आउटर क्लास. इन दिस केस अ स्टैटिक क्लास कैन नॉट एक्सेस नॉट नॉन स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द आउटर क्लास. जैसे कि हमारा एग्जांपल है पब्लिक क्लास नेस्टेड एग्जांपल हो गई. प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग हमारा str, हमने एक str क्रिएट किया, मतलब वेरिएबल क्रिएट किया हमने, एक वेरिएबल str का नाम का हमने स्टैटिक वेरिएबल हमने क्रिएट किया प्राइवेट, और उसके बाद उसमें वैल्यू को हमने पास कर दिया हेलो वर्ल्ड. उसके बाद स्टैटिक क्लास हमारी माई नेस्टेड क्लास हो गई. फिर उसके बाद पब्लिक वाइड हमने एक दूसरी क्लास क्रिएट करी माई नेस्टेड क्लास, उसके बाद पब्लिक वाइड डिस्प्ले सिस्टम डॉट प्रिंट एलन. फिर हमने जो भी इसमें वेरिएबल डिक्लेयर किया था फर्स्ट क्लास में, हमने पहले वाली क्लास में आउटर क्लास में, तो उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया. फिर हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस आउटर क्लास में. उसके बाद फिर हमने नेस्टेड एग्जांपल जिसको कैसे कॉल करते हैं इनर क्लास को डॉट माई नेस्टेड क्लास, जिसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. फिर न्यू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, फिर नेस्टेड एग्जांपल ये हमारी आउटर क्लास होगी, फिर डॉट हमारी माई नेक्स्ट क्लास क्या होगी हमारी इनर क्लास होगी. फिर जिसकी वैल्यू कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे, इस तरह हम इसको वैल्यू या वेरिएबल को उसको एक्सेस करते हैं, जैसे इसको हमारे मेथड को और जो भी हमारे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, इस तरह इसको एक्सेस करते हैं आउटर और इनर क्लास का यूज करके. तो इसलिए इसका हम स्टैटिक क्लास का यूज करते हैं. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट, जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर उसके बाद उसका मेथड का नेम उसको हम कॉल करा लेंगे, एक्सेस कर लेंगे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले. तो हमारा जो भी डेटा और जो भी हमारा जो भी हमने वैल्यू दी होगी उसको हमारी वो प्रिंट कर देगा. तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड. तो इस तरह स्टैटिक क्लास का हम यूज करते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. प्रेस बेल आइकन गेट notification.